हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक बुक। तो आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी, जो कि नॉर्मल राइस से हम बनाएंगे, सोना मसूरी राइस से। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये चिकन, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मिर्ची डालना। और यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर, नमक और ये फ्राइड अनियंस डाल रही हूँ, कुछ अनियन कच्चे भी डाल रही हूँ और ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ और हरा मसाला। और इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे करीब 2 घंटों के लिए। तो हम यहाँ इसको रख देंगे और यहाँ पर फिर 2 घंटों के बाद हम एक पकौड़ा लेंगे जिसमें हमें बिरयानी बनानी है, और इसमें हम उस चिकन को डालकर नहीं डाल देंगे। एक और बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। यहाँ जब पानी उबल जाए तो हम खौलता हुआ पानी उस चिकन में डाल देंगे। बावर्ची अक्सर इसी तरह पकाते हैं। और यहाँ पर हम तेल डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जब चावल अच्छे से पक जाए, यानी कि 20% जो फर्स्ट लेयर होगी वो 20% कुक चावलों की होगी, तो यहाँ पर हम ये चावल डालेंगे। इसी तरह सारे चावल डाल देंगे और यहाँ पर मैं बीच में होल्स कर रही हूँ ताकि जो स्टीम है वो ऊपर और ऊपर के चावल भी अच्छे से पके। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्राइड अनियंस डाल रही हूँ, हरा मसाला डालूँगी, ज़ाफ़रान डालूँगी और यहाँ पर मैं पिंच ऑफ फूड कलर डालूँगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने ज़ाफ़रान ऑलरेडी डाला हुआ है। और इसके बाद मैं इसको फॉइल पेपर से ढक दूँगी। मुझे यहाँ पर होल्स करना था, मैंने नहीं करा था। आप चाहो तो यहाँ पे होल्स कर सकते हो, हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हम यहाँ पर बिना तवे के इसको बनाते हैं, फिर भी अच्छी बनती है। मुझे तवे का हिसाब नहीं समझ में आता। और यहाँ पर ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। ज़रूरी नहीं कि आपको बिरयानी बनानी है तो आपको बासमती चावल ही चाहिए। हमारे जैसे कई घर है जहाँ पर नॉर्मल राइस से भी बिरयानी बनती है और ये उसी तरह बनती है जिस तरह बासमती चावल से बनती है। अगर मैं फैक्ट बोलूँ तो ना, बासमती चावल की आप जब बिरयानी बनाते हो तो उसमें ना ज़्यादा आपको खाए नहीं जाता, थोड़ा सा भी खाते हो तो आपका पेट भर जाता है। लेकिन सोना मसूरी चावल से आपका पेट